सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। एंड शाम हो चुकी है एंड अभी जो है ब्लॉग का स्टार्टिंग किया है। सो आरुष जो है अभी सोया हुआ है, देन मैं अभी रेडी हो चुकी थी और मैंने सोचा कि ब्लॉग का स्टार्टिंग भी कर ही देती हूँ। शाम हो चुकी है, शाम के जो काम है वर्क है वो मेरा मतलब कंप्लीट नहीं होने वाला है, मतलब स्टार्ट होने वाला है। सो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद जो काम है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। एंड आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको जो ब्लॉग का जो पार्ट है वो कौन सा आपको पसंद आता है, कौन सा पसंद नहीं आता है। सो मैं सुधार करूँगी ब्लॉग में। क्लीनिंग तो मेरी सुबह की हो चुकी है और शाम को जो रूटीन होता है वो होता है छत से कपड़े उतारना, पानी भरना, बर्तन धोना, पानी भरना, बोल दिया यार, फिर से स्टार्ट करती हूँ। कपड़े छत से उतारना, पानी भरना, खाना बनाना, बेबी को देखना, बहुत सारे होते हैं, अभी माइंड नहीं कीजिएगा। सो आरुष है सोया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे वो सोया हुआ है। सोया पड़ा है अभी। सो घर में कोई नहीं है, मामा गए हैं दीदी के घर, मतलब मेरी ननंद मासी सास जो है मेरी, उनकी बेटी के घर गए हुए हैं मम्मी। एंड अभी जो मैं जा रही हूँ छत पे, और यहाँ पे सामान रखा हुआ है हमने, ये जो सरिये थे ना जब हमने ये माउंटी बनाई थी तो ये सरिये सीते थे, तो हमने इनको थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे कुछ सामान टिका दिया है। तो कुछ सामान है यहाँ पे, तो माइंड मत कीजिएगा। और अभी जा रही हूँ मैं छत पे, तो चलो कपड़े उतार लेते हैं छत से, उसके बाद जो है अगला रूटीन स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है, बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी और उस वाले खिड़की से ना लाइट बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं अभी ना अपने लिए टी बना रही हूँ, क्योंकि भाई का वेट कर रही थी, वो तो पता नहीं कब आएगा, और मुझे जो है टी की तलब बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो है चटपटा सा खाने को भी बना देती हूँ। और यार हाँ, तो मैंने सोचा कि कुछ चटपटा जो है खाने के लिए भी बना देती हूँ और टी भी बना देती हूँ। तो वही चीज़ें कर रही थी, और मैंने जो दो पैकेट मेरे पास अवेलेबल थे घर में ही थे नमकीन के, तो एक तो मूंग दाल थी और एक लेज़ का पैकेट था। तो मैंने लेज को चुरमुर करके जो है एक कटोरी में डाल दिया है, और साथ में ही उसमें मूंग दाल जो होती है वो डाल दी है, ब्रांड में नहीं दिखाऊंगी, और एक हाफ सा प्याज, ऑनियन जो बिल्कुल, सॉरी कॉल आ गया था। और मैं ना इंस्टा पे लाइव आई थी कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं फिर से बैक कर लिया, क्योंकि मुझे जो है अपना वीडियो भी शूट करना था, इसके लिए यूट्यूब के लिए ब्लॉग शूट करना था, इसलिए। तो मैंने सोचा कि शाम हो ही गई है तो साथ साथ में ब्लॉग को स्टार्ट ही कर देती हूँ कामों के साथ साथ। तो अपनी टी से मैं शाम का जो स्टार्टिंग कर रही हूँ, पहले तो मैंने छत से कपड़े उठाए, अभी जो हूँ टी बना रही हूँ, टी बन चुकी है मेरी। ऑनियन को मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, और एक कटोरी में ले लिए हैं मैंने ये नमकीन, तो इसको डालती हूँ मैं इसमें, और इसको इस तरह से बंद करके मिक्स करना है।
और बहुत ज़्यादा अच्छी ना टेस्टी सा कुछ खाने को चाहिए आपको झटपट से, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और नींबू पड़ जाए इसमें तो ज़्यादा मज़ा आया, बट मैं नींबू नहीं डालूँगी क्योंकि मैं पी पी रही हूँ इसलिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चलो टी इंजॉय कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सा बनती है ये डिश। ये देखिए मेरी टी रेडी है एंड ये देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है ये देखने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपने किचन में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसमें हल्की सी मिर्च डाल के फ्राई भी कर सकते हो ऑयल में, हल्का सा घी में या फिर ऑयल में, और इस तरह से बहुत ही यमी यमी चीज़ें बना सकते हो। सो चलो मैं इसको इंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैंने टी पी ली है, और टी जब मैं पी रही थी तभी जो है भाई भी आ गया, भाई गया था सुंदर नगर। सो उसने जो है खाने के लिए लाया था, सो मैंने नमकीन तो खाया ही खाया, साथ में मोमोज लाए थे, फिर मोमोज भी खाए हमने, और कुछ फ्रूट्स थे, फ्रूट्स में ग्रेप्स ही मिले उसको, और ग्रेप्स एक सेकेंड ग्रीन वाले हैं बड़े बड़े से इस तरह के। तो ये मैंने कुछ थोड़े से वॉश कर लिए हैं, आरुष करारा कुछ इसमें है। तो और जंक फूड में जो है बहुत सारी चीज़ें आती है हमारे का, तो यहाँ पे है बर्गर, बर्गर लाए हुए हैं, तो मैंने जो कॉल किया हुआ था तो बर्गर आए हैं, तो अभी बर्गर खाएंगे। अभी गर्म है थोड़ी देर मैं खा लूँगी, अभी मोमोज खाए तो पेट फुल हो गया तो थोड़ी देर रेस्ट करके खा लूँगी। और आरुष अभी उठ गया है तो मैंने उसको लगा दिया है कार्टून, और मैं हूँ किचन में, और ज़्यादातर मैं किचन में ही होती हूँ क्योंकि किचन मेरा बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे मैं अच्छे से शूट कर पाती हूँ और बोल पाती हूँ। हाँ जी ऐड आई होनी, तो वो टीवी पे कार्टून देख रहा था तो ऐड आ गई होगी तभी वो ऐसे चिल्लाता है। सो एक सेकेंड, पहले ना शूट करते करते मेरी बैटरी जो है लो हो गई थी और फेस भी थोड़ा डर ला रहा है क्योंकि लाइटिंग शाम हो रही है ना इसीलिए। तो हाँ जी यार रेड आई अभी, सो अपने दादा के रूम में देख रहा है, अंधेरा बहुत होता है यहाँ। सो अभी क्या खा रहे हैं आरुष, क्या खा रहे हो, क्या बोलते इसको, ये पछा अभी फुल क्या पछा है, क्या फंस गया बेटा, गिप्स का था यार, टंग से खाओ। तो मैंने इसको फुल जो दिया था ये, और यही बचे हैं अभी खा रहा है आराम से। अभी चाचू से क्या मंगाया, और ऐसे वाले ब्लैक वाले, ब्लैक की ग्रीन ब्लैक, इसकी डिमांड है ना बहुत ही सॉलिड होती है और सबसे कुछ ना कुछ मंगाता रहता है, कभी लीज कभी क्या तो कभी क्या। अब फ्रूट्स पहली बार मंगाए होंगे इसने क्योंकि ये वाले जो इसने खाए इसको टेस्टी लगे, तो इसका चाचू बोलने लगा कि मैं पहले ब्लैक लाने वाला था इसको, बट ये टेस्ट से नहीं खा पाएगा, उनको देख के ही नहीं खाएगा कि कैसे ग्रेप्स है ये, कोई ग्रेप्स होता है तो फर्स्ट टाइम ये ग्रेप्स खा रहा है। फर्स्ट टाइम ये वाले तो खाए हैं इसने, लेकिन जो ब्लैक वाले हैं अभी नहीं खाए हैं इसने कभी भी। सो शायद लाए क्योंकि बोला है इसने तो फिर तो बनता ही है चाचू का लाना, और आरुष का चाचू आरुष को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है चाचू, बहुत प्यार करता है। चाचू ने क्या क्या लाया था मम्मी,
ग्रेप्स लाए थे और क्या लाया था? मोमो दोनों ग्रेप फ्रूट मोमोज भी लाए थे। मम्मी मारे को लग गया इसका कार्टून। बता ना मोमोज भी लाए थे। मैं आपको बता दूं टाउन मारे को इसको इस वहां हाँ हाँ दिख रहे हैं दिख रहे हैं वहां दिख रहे हैं यार ना बड़े तंग करता है मेरे को दिख गए हैं। हाँ लिखो देखो कार्टून देख रहा है यार ये वाले कार्टून देखता है ये वाले कार्टून देखता है। पता है मैं इसको अपने रूम में एलसीडी में लगा रही थी कार्टून बट वो नहीं देख रहा है वहाँ पे बोलता है मेरे को दादा के रूम में ही देखना है। तो चलो अभी जो है भाई फिर से चला गया है उसको थोड़ा सा सामान वगैरह लाना था और उसका वेट करूँगी अभी कि कब आए तो कब आए और मैं फिर सारे काम कर लूँ। और जिस कैमरे से मैं अभी शूट कर रही हूँ वो है ब्लूम कैमरा आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो इस कैमरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा कैमरा है इसमें आप वीडियोस भी बना सकते हो फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। सो प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट मैं बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी मैंने ब्लॉग में इसको यूज़ किया हुआ है ब्लूम कैमरे को। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फेस आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा आ रहा था पहले वाले इस कैमरे में कैसा आ रहा था। सो वो था फ़ोन का कैमरा और ये जो इस टाइम शूट हो रहा है ये है ब्लूम का कैमरा। सो आप चाहो तो प्ले स्टोर पर जाके आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो BLUM नहीं कुछ ऐसा यह स्पेलिंग ही भूल गई स्पेलिंग वही थी लेकिन डबल ओ है बीच में BLOOM और जी है। आप चाहो तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जो है इस ऐप को यूज कर सकते हो। यहाँ पे है यार बच्चे हुए हैं ये देखो मैंने खाना है मैं दे रही हूँ ना मत दो। तोड़ के दे रही हूँ पकड़ना बिना तोड़े चाहिए ऐसे ही चाहिए पूरा पूरा गुच्छा ले फिर ले जा ध्यान से खाना ठीक है गिराना मत यार कुछ ज्यादा ही खा रहा है ये ज्यादा मीठे भी नहीं है खट्टे भी नहीं है ठीक ठीक है बहुत ही टेस्टी है। सो हाँ जाके आप इस कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हो बेझिझक बिना पैसे के। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ठीक है। सो गाइस अभी जो है मैं शाम का काम कर रही थी मैंने पानी लगा दिया है अपने आप को नहाने को। सो आज मैं नहाई नहीं थी मतलब सुबह क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ उसके बाद यूँ ही मन नहीं किया धूप में बैठी रही नहाई नहीं और उसके बाद खाना वगैरह खा लिया उसके बाद तो फिर नहाना तो दूर की ही बात है। सो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 सो अभी मैंने पानी लगाया है नहाने के लिए सो मैं नहा लूँगी। और खाने में क्या बन रहा है आज मैं बनाऊँगी चपाती और जो सब्जी है वो नॉनवेज है वो बाहर से ही आएगी बन के तो पापा जी भाई और हस्बैंड जो है मेरे वो वाली सब्जी खाएंगे जो बाहर से आएगी बन के। और मेरे लिए जो है मसूर की दाल मैंने बना रही हूँ खुद के लिए सो उसकी रेसिपी क्या ही शेयर करनी सिंपल सी दाल होती है चोखा ही लगाना होता है और मैं स्टीम लगा के ही बनाऊँगी। मैंने भिगोने डाल दी है तो प्याज भी मैंने कट कर लिया है बिना टमाटर वाले बनाऊँगी और जल्दी सी बन जाएगी आधी कटोरी मैंने डाली हुई है। सो और उसको तो मैंने सुबह नहला दिया था उसको तो अभी शाम के टाइम नहीं नहलाऊंगी बट मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि हेयर थोड़े से अजीब से लगते हैं जब नहीं नहलाए तो और स्किन भी थोड़ी सी अजीब सी होती है। सो अभी मैं नहा लूती हूँ उसके बाद तड़का रेडी होना है उसके बाद हमने लाए हुए हैं बर्गर जो ठंडे हो चुके हैं अभी फ़िलहाल तो मैं अभी सबके आने का वेट करूँगी कभी सभी आएँ और फिर खाएं। सो बर्गर भी है
थोड़ी सी दाल बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो मैं ग्रेप्स खा रही थी जैसा आपने देखा था, और मैं आरुष को देख लेती हूँ कि वो कहाँ गया है खेलने। बाहर खेल रहा था, अभी यहीं आंगन में था, अभी पता नहीं कहाँ चले गया। तो मैं देख लेती हूँ उसको, उसके बाद नहा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, हेयर मेरे गीले हैं, सो रेडी हो चुकी हूँ। मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, उसके बाद वहाँ पे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, बिस्तर भी करना है, और मैं सिर में स्कार्फ वगैरह बांध लेती हूँ। उसके बाद फटाक से किचन में चलते हैं और फटाक से खाना बना देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे जल्दी खा लेते हैं तो मैं जल्दी बना लेती हूँ। सो 5:30 हो चुके हैं, सभी मैं फटाक से जाऊंगी किचन में और फटाक से खाना बना लूंगी। पहले मैं स्कार्फ बांध लेती हूँ। आरुष जो है कार्टून देख रहा है, अभी भी अभी इस वाले रूम में आ गया है। सो स्कार्फ मेरा हो गया, स्वेटर भी मैंने पहन ली, शॉल मैं अभी नहीं ओढ़ूंगी। तो चलो चलते हैं किचन में। तो रेडी हो चुकी हूँ, आरुष बिस्तर में बैठा रहा ना, सो अभी किचन में चलते हैं फटाक से, और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। सो चलो बनाते हैं फटाक से दाल। सो गाइस दाल मैंने चढ़ा दी है कुकर में छौंका लगा के, और अभी जो है कल मुझे निकलना है अपने मायके। सो आज जो है मुझे करनी थी पैकिंग, बट आज पूरा दिन नहीं हो पाई है क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत आलस में गया है। अभी नहा के थोड़ी एनर्जी आई है, सो मैं फटाक से पैकिंग कर लेती हूँ, एंड उसके बाद जो है ब्लॉग को शायद एंड ही कर दूंगी पैकिंग के साथ ही, क्योंकि कल जो मेरा ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग होगा तो मैं अपना लगेज रेडी कर लेती हूँ। बहुत दिनों से ना यूं ही चल रहा है, कभी जाना है कभी नहीं जाना है, तो उसी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं बैग जो है रेडी कर लिया है, कपड़े भी निकाल के रखी दिए हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने निकाले नहीं है अभी, सो उनको मैं निकाल लेती हूँ और लगेज रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मिलती हूँ आपसे। लगेज जो है पैक हो चुका है, इसमें थोड़े से सिर्फ मेरी ग्रॉसरी वगैरह जो है, ग्रॉसरी क्या क्या बोल रही हूँ, सॉरी, मेकअप का जो सामान है मेरा थोड़ा बहुत वो ही जाएगा अभी, बाकी पैकिंग वही ही है। और मेकअप के सामान में बस वही लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, बिंदिया, बस वही, और आरुष के थोड़ी शूज जाएंगे इसमें, और हाँ बस, और लगेज पैक हो चुका है। और आरुष तब से ग्रेप्स 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 किए जा रहा है, और अंधेरा हो चुका है बाहर, गैलरी में तो बिल्कुल ही अंधेरा था। तो अभी जो है आरुष का ग्रेप्स का मन है कि मम्मा ग्रेप्स खाने,
और मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि दाल हो चुकी थी, एक सीटी में हो जाती है, फटाक से हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। तो मैं बस यही चीज़ें थी आज। थैंक यू कौन बोलेगा? वेलकम मम्मा। सो बस यही चीज़ें थी आज मेरी काम की। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।